एसएफआई राज्य कमेटी के द्वारा प्रदेश की राजधानी शिमला में केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला व हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में की जा रही शिक्षकों व गैर शिक्षकों की भर्तियों में अनियमितताओं का आरोप लगाया और इसके खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई राज्य सचिव अमित ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय व प्रदेश विश्वविद्यालय में हो रही शिक्षकों की भर्तियां सवालों के घेरे में हैं। मैं अमित ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव, और आज जो एसएफआई जिला उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन कर रही है, इसकी वजह पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि हिमाचल प्रदेश के 3 जो विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश जो कांगड़ा के अंदर है, या टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो हमीरपुर के अंदर है, और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो शिमला के अंदर है, इन तीनों विश्वविद्यालयों के अंदर इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर और उससे पहले जो भर्तियां की गई है उसके अंदर जो है भारी अनियमितताएं हैं, धांधलियां उसके अंदर बरती गई है और उसकी अभी तक कोई जाँच नहीं हुई है। एसएफआई साफ तौर पर प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है उनके ऊपर सीधा आरोप लगा रही है, क्योंकि ये जो भर्तियां हुई है इसमें सबसे पहला जो रोस्टर सिस्टम इसमें इंप्लीमेंट होना चाहिए था, उस रोस्टर सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन निकली है और उसके अंदर जो सीटें इन्होंने उसके अंदर निकाली है, उसमें अलग अलग विभागों के अंदर या तो सारी सीटें रिजर्व रखी गई है या फिर सारी की सारी सीटें जो है अनरिजर्व की गई है। तो वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो सीटें ये इन्होंने निकाली है, इसके अंदर जो पहले ही सीटें जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जो है प्लेस की गई है और उनको जो है पहले ही लिस्ट आउट किया गया है कि किस विभाग के अंदर किस जो है जनरल कैटेगरी से या वो जो है रिजर्व कैटेगरी से आना है, तो वो उस आधार पर इन्होंने जो है रिजर्व की गई है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जो इन्होंने इस भर्तियों को लेकर स्क्रूटनी कमेटी बनाई है, उस स्क्रूटनी कमेटी के अंदर जो विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर है या डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उनको जो है नेग्लेक्ट किया गया है, उनको स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया है और विदाउट नोटिफिकेशन बाहर से यूनिवर्सिटी के बाहर से जो है लोगों को स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है ताकि अपने लोगों को जो है विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती किया जाए। इसलिए आज एसएफआई इस प्रदर्शन के माध्यम से ये अपील करना चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे छात्र जो मेहनत कर रहा है और आज जो बेरोजगार है और इन भर्तियों के माध्यम से वो जो है भर्ती होना चाहता था, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन और प्रदेश की सरकार अपने चहेतों को भर्ती करने के लिए, विश्वविद्यालय के अंदर भगवाकरण करने के लिए इन लोगों को भर्ती कर रही है जो अयोग्य हैं। इसलिए आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर भी अभी केस चल रहा है और उस केस के अंदर भी जो है छात्रों का पक्ष वहाँ पर जो है हाईकोर्ट के अंदर रखा जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की सरकार इसमें जो है न्यायिक जाँच करे और अयोग्य लोगों के ऊपर जो है कार्यवाही होनी चाहिए। कोई भी अपडेट मिस ना करें, हमारे फेसबुक पेज को आज ही लाइक और फॉलो करें। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इंपैक्ट।